असलम डियर स्टूडेंट्स बाई ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन होप एवरी बडी इज़ फाइन बाईस टोडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ आर टॉपिक अर्ली डिस अबाउट द वॉल्यूम रेगुलर सॉलिड्स उसके बारे में हमने नुमेरिकल्स भी किए हैं बेटा तो आई होप यू हैव प्रैक्टिस डेम वन बाई वन जो हमने नुमेरिकल्स किए हैं एंड खुद से भी आपने प्रैक्टिस की हो आई होप फॉर दैट ओके आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज अबाउट द इेगुलर सॉलिड्स आज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम किसका इरेग्यूलर सॉलिड का मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स सो आई एम हियर राइटिंग टॉपिक्स नेम मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ किसका हमने निकालना है इरेग्युलर सॉलिड का ठीक छोबर देखो एज़ अगर आपको पता होगा जो हमने डिस्कस करा था अबाउट द सॉलिड्स रेगुलर सॉलिड्स के बारे में उसका वॉल्यूम वॉल्यूम हम कैसे इवेलएट करते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं बाई सिंपली अप्लाइंग द फार्मूलाज अब बात आ रही है यहाँ एट रेगुलर सॉलिड्स की बेटा इेगुलर सॉलिड्स आपका सपोज़ कोई भी सॉलिड होगा जिसके जिसको हम पहचान नहीं सकते इसकी अपने डायमेंशनस के साथ सपोज़ अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे चेयर आएगी तो चेयर जो है चेयर किसका बना है एक्चुअली वुड्स का बना है कोई पीस ऑफ वुड लेंगे तो पीस ऑफ वुड को हम एज इट इज़ सॉलिड तो कहेंगे बट एक्चुअली परफेक्टली हम उसको इरेगुलर सॉलिड कहेंगे उसके डायमेंशनस फ़िक्स नहीं रहते हैं फिक्स इन देंस कि उसके उसके डायमेंशनस जो है ना वो हम नहीं पहचान सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है ब्रेथ कितनी है हाइट कितनी है सेकंड uh, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जैसे स्टोन है पेबल है तो पेबल का अगर सपोज दिस इज़ लाइक ए स्टोन हेयर लाइक स्टोन तो इसके डायमेंशनज़ हमें नहीं पता है कि इसकी लाइ लें हाइट और ब्रेथ वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उस चीज़ का देखो इसका वॉल्यूम हमने फ़ाइंड आउट करना है इस पेबल का हम सपोज अगर हम इस एग्जांपल में पेबल ही लेंगे कोई स्टोन लेंगे कोई अच्छी जिसको हम पेबल कहते हैं छोटी सी स्टोन को उसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले पहला स्टेप ये है कि उसको पहचानो इज़ इट अ रेगुलर सॉलिड और इररेगुलर सॉलिड हाँ डेफिनेटली इट्स एन इरेगुलर सॉलिड सो इट्स एन इट्स अ सॉलिड इट इज़ ए सॉलिड बट इट इज़ एन इरेगुलर सॉलिड बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट बाय इट्स डायमेंशन बाय इट्स प्रॉपर डायमेंशन ओके इसके प्रॉपर डायमेंशनस नहीं होते हैं प्रॉपर डायमेंशन इन द सेंस कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई हम उसको पहचान नहीं सकते हैं विद द डायमेंशन ठीक है अगर बात आई रेगुलर सॉलिड्स की तो इनको उनकी एक डायमेंशन फिक्स डायमेंशन होते हैं हाँ यहाँ पे लेंथ है ब्रेड है हाइट है जो हमें गिवन होती है क्वेश्चंस में तो उसके हिसाब से हम उनका वॉल्यूम निकाल सकते हैं ओके आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू एवेल द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स बेटा सिंपल सा मेथड है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इन ऑर्डर टू ऑफ इेगुलर सॉलिड्स उसको हम कहते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी मेथड है देखो वाटर डिस्प्लेसमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ ये मेथड एडॉप्ट होता है फॉर व्हाट पर्पस फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स इरेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यस वी आर फाइंडिंग वी आर इवेलोवेटिंग द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स बाय विच मैथड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड व्हाट डज दिस वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड मींस देखो बेटा कोई भी इरेगुलर सॉलिड होगा हाँ कोई भी इरेगुलर सॉलिड सपोज हम पेबल की बात करेंगे पेबल हाँ पेबल की बात करेंगे तो पेबल सपोज दिस इज़ लाइक ए पबल इसका वॉल्यूम कितना है ये कितना स्पेस जो है एक्चुअली वॉट इज़ वॉली इट्स अमाउंट ऑफ द स्पेस दैट इज़ ऑक्युपाइड बाई ए ऑब्जेक्ट ठीक है कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा सो दैट बिकम्स द वॉलीम अब इसका वॉलीम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तो रेगुलर सॉलिड है ही नहीं ये कौन सा सॉलिड है इ रेगुलर सॉलिड है तो इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे वाटर डिस डिसप्लेसमेंट मैथड के साथ ओके okay. ये डिस्प्लेसमेंट वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हमें क्या कहता है ये देखो बेटा वाटर दैट मीन सम हाउ इट्स रिलेटेड टू वाटर देखो बेटा इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे सपोज हम इरेगुलर सॉलिड की बात करेंगे अभी हम इरेगुलर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट दैट इज एन इरेगुलर सॉलिड उसको हम इमर्स करेंगे क्या करेंगे इमर्स करेंगे कंप्लीटली इन वाटर कम्प्लीटली इन वाटर ओके उसको जब हम इमर्स करेंगे कम्प्लीटली इन वाटर तो क्या होगा, देखो, क्या होगा? लेकिन किस में, water हमने किस में वो करना है फिल करना है वी हैव टू टेक देखो वी हैट ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स ग्रेजुएटेड सिलेंडर वोवन ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स क्या हो वुश गोबर ग्रेज़ुएटेड सिलेंडर्स मतलब वो सिलेंडर्स, वो बीकर्स ओके ग्रेज़ुएटेड, जिनको बाहर से वो क्या होती है वो रीडिंग्स होती है देखो आपने सिरिंज देखा सिरिंज, हाँ सिरिंज इज अ टाइप ऑफ ए सिलेंडर सिलेंडर शेप दिवान मगर तथा आब्क स मार्के लीखित मार्किंग इन द सन्स कि ये फाइव एम एल लीखित ये टैन एम एल लीखित ये फिफ्टी एम एल लीखित तैयो समझ देट इज कॉल्ड एज गुटिड सिलेंडर क्या है शेप किसकी लेता है सिलेंडर की है गॉट दिस सो हम क्या लेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेंगे सर क्यों लेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर हमने देखना है कि अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी का वॉल्यूम कितना है वो हम पहले निकालेंगे वो हमें पहले शो होगा आर यू गेटिंग मी सो हमने कौन सा मेथड फाइंड आउट करना है वॉट uh, किस मेथड से हम एवेलट करेंगे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हमें क्या कहता है कि आपने कोई इरेगुलर सॉलिड है कोई भी लाया पैबल लाया सपोज उसको हमने ड्रॉप किया किस में किस में किया ड्रॉप इमर्स किया मगर कम्प्लीटली इमर्स किया वाटर में इमर्स किया वाटर में वाटर को किस में फिल किया ग्रेजुएटेड सिलेंडर में ये एक एक्टिविटी होती है सपोज़ हमारे पास एक एक्टिविटी है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट द वी हैव टू फाइंड आउट देखो हमारी ये एक्टिविटी है वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए पेबल वॉल्यूम ऑफ ए पेबल देखो वॉल्यूम ऑफ ए पेबल हम कैसे निकालेंगे आपके पास ये पेबल है इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एज आपको पता है कि टॉपिक जो हमारा है पी ई डबल बी एल यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स तो सी सीधी सी बात है सॉलिड इरेगुलर सॉलिड है लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेबल तो कौन सा मेथड एडॉप्ट करेंगे वेरी गुड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड एक्टिविटी क्या है एक्टिविटी सुनिए देखिए बेटा हमने क्या करना है हमने पहला स्टेप ये है हमने बी बीकर लाना है ग्रेजुएटेड सिलेंडर लाना है ठीक है ओके दिस इज़ लाइक ए ग्रेजुएटेड बीकर और सिलेंडर देखो अगर मैं आपको बोलूँ ये दो टाइप्स के ये होते हैं मतलब एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है और दूसरा ग्रेजुएटेड बीकर होता है ग्रेजुएटेड इन द सेंस को जो बाहर से हमें दिखेगा जिसकी रीडिंग्स शो होगी कि हाँ बाहर से लिखा होगा इट इज़ टेन एम एल फिफ्टीन एम एल थर्टी एम एल कुछ भी है ओके okay. अब देखो दो टाइप्स के होते हैं ग्रेजुएटेड बीकर ग्रेजुएटेड बीकर जो होता है बीकर की बात करेंगे ना जब ग्रेजुएटेड बीकर की बात आई तो वो इट रेफ़र्स टू द कैंस जो मिल्क मैन के पास होते हैं ना वो कैंसन आसन इम चुना लीटर से आसन तो उनको हम ग्रेजुएटेड बीकर्स कहते हैं सपोज अगर मैं मिल्क मैन के पास जाऊं तो उस, उसको बोलूंगा कि मैं मुझे वन लीटर कप ये मिल्क चाहिए तो वो क्या करेगा वो कैसे मेजर करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड बीकर्स जिनको हम कैंस कहते हैं तो उनका जो वो होता है उनकी जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटी कितनी होती है वो हम डिस्कस भी करेंगे विल बी रीडिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ़ लिक्विड्स उसको भी हम उसी में रैप अप करेंगे कि वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स फ़िलहाल अभी हम स्टार्ट करेंगे ये कि वॉल्यूम ऑफ पेबल हमने कैसे निकालना है ठीक अभी हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो आपके लैब्स में होता है ना बेटा लेबॉर्टरीज़ में जो वो बीकर्स होते हैं वो लॉन्ग बीकर्स हैं जिनके बाहर से ये मार्किंग होती है दिस इज़ फाइव एम एल टेन एम एल उनको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स कहते हैं जो ये बंध वान चासन कैन्स बड़े बड़े वो होते हैं ना जैसे कैरोसिन मेजर करना है हमने इसको वॉल्यूम मेजर करना है तो वी हेल्प वी टेक द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड बीकर ठीक उससे हम वॉल्यूम ऑफ़ लिक्विड निकाल निकाल सकते हैं जो हमने आगे डिस्कस करना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सा इस टॉपिक के बाद ठीक ग्रेजुएटेड सिलेंडर लिया तो सपोज सिरिंज है कोई भी नहीं कोई भी ग्रेजुएट सिलेंडर लाइक सरेंज भी होता है ग्रेजुएट सिलेंडर है हमने एक ऐसे ही लिया चलिए ग्रेजुएट बी कर ही लेंगे लेकिन ग्रेजुएटेड है जहाँ पे इसकी मार्किंग होगी बाहर से इसकी मार्किंग होगी वो मार्किंग वो जो होती है सपोज़ यहाँ पे फाइव एम एल टेन एम एल फिफ्टीन एम एल ट्वेंटी एम एल ओके लाइक दिस रिगेटिंग में मतलब फ़ाइव एम एल टेन एम एल फिफ्टीन एम एल ट्वेंटी एम एल वाट डज दीज ग्रेजुएशन दीज आर कॉल्ड एज ग्रेजुएशन मार्किंग्स हैं ये शो करेगा अगर इसकी लेवल यहाँ तक पहुँचती है वाटर की तो हमें पता चलता है कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो अभी फाइव मीटर है फाइव एम एल है सॉरी फाइव मिली लीटर है अभी यहाँ तक है तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाँ अभी वॉल्यूम है किसका वाटर का बाहर से देखोगे हाँ इसकी लेवल कहाँ तक है किस 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 स्केल तक है तो टेन मिट एम एल स्केल तक है सो वी कैन से कि इसका वॉल्यूम जो है वो टेन एम एल है ठीक है अब ये एक्टिविटी है हम ऐसे ही लेंगे एक सिलेंडर ठीक है याद है जो हम सिलेंडर लेंगे तो सिलेंडर में मार्किंग यहाँ से होगी सपोज़ यहाँ से चाहिए फिफ्टी एम एल उसके बाद हंड्रेड एम एल उसके बाद वन फिफ्टी एम एल उसके बाद टू हंड्रेड एम एल सो आपको अगर मैं बोलूँ इस बीकर इस बीकर ग्रेजुएटेड बीकर की कैपेसिटी कितनी है आप बोलोगे टू हंड्रेड एम एल बिकॉज कैपेसिटी होता क्या है कि कितना ये वॉल्यूम क्या कर सकता है शाबाश कितना वॉल्यूम ऑफ़ वाटर जो है ये आ, ये इसकी जो कैपेसिटी होती है होल्ड अप करने की वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ये कैपेसिटी इसकी जो कैपेसिटी इस बीकर की कैपेसिटी कितनी है कि कितना ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्ड अप करेगा शबाश इसका जो जो एक्सट्रीम वो पॉइंट जो होगा यस इट कैन एकोमोडेट इट कैन होल्ड टू हंड्रेड एम एल ऑफ़ वाटर सो इसकी कैपेसिटी कितनी है टू हंड्रेड एम एल ऑफ़ वाटर ठीक है सपोज अब मैंने फर्स्ट स्टेप हम एक्टिविटी अभी अभी कर रहे हैं एक्टिविटी में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए पेबल इनरेगुलर सॉलिड बाय यूजिंग एन एक्टिविटी गुज एक्टिविटी गॉडनुक स्टेप जो हमने एक ग्रेजुएटेड बीकर लाना है ग्रेजुएट आओ समझ मार्किंग नेबरकन लीखित कि यह हाँ यह वाटर कूदा ठीक नंबर सेकेंड है नंबर सेकेंड हम क्या करेंगे हम वाटर को फिल करेंगे इसमें अपनी मर्जी के साथ हा? कूचा कूत मैं कौन वाटर फिल वो अपनी मर्जी के साथ आप कुछ भी करोगे आपकी मर्जी होगी चलिए मैं स्टेप सेकंड अभी अप्लाई कर रहा हूँ बहु कर फिल य याद तुम गुबुर हंडर्ड एम एल ऑफ वाटर कूता चो क फिल बस कन्डरड एम एल आफ वाटर फिल बह ऑफ वाटर फिल शाबाश बह क हंडरिड एम एल आफ वाटर फिल इन देंस कि मेरा जो पहला इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर है वन हज़ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर कुतः मैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं दैट इज़ हंड्रड एम एल दैट इज़ हंड्रड एम एल इनिशल वोल्यूम वो मैं वी वन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा ठीक हमेशा थे जो वी वन थे जो हमेशा इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम क्या गो आपने पानी जो है वो कितना फिल कराया है किस में ग्रेजुएट सिलेंडर में आप कैसे देखोगे बाई रीडिंग लेवल ऑफ वाटर मार्क द लेवल ऑफ वाटर एंड इसकी जो रीडिंग है वो टेक करो तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हंड्रेड एम ऑफ वाटर इसमें डाला है शाबाश अब तीसरा स्टेप थर्ड स्टेप हमने क्या इस पेबल को लाया मैंने हाँ छोटा पेबल है ठीक है इसका वॉल्यूम निकालना है वेरी गुड अब इसको कैसे इसमें ड्रॉप करना है लेकिन कैसे ड्रॉप करना है याद है जो सुनब हमने इस पेबल को टाई अप करना है किसी थ्रेड के साथ आर यू गेटिंग मी हमने इस पेबल को क्या करना है शाबाश हमने इस पेबल को टाई अप करना है टाई मतलब यू युशू पेबल मैं चुन कर, करना है किसी थ्रेड के साथ ये जो थ्रेड ओन मैं ये कर टप वोल मैं इस थ्रेड फिर उसके बाद मैंने क्या किया इसके बाद यहां से लाया और इसमें मैंने इमर्स किया किस में किया कम्प्लीटली इमर्स मैंने पहले ही बोला उसमें हमने क्या करना है कम्प्लीटली इमर्स करना है सीधी सी बात है जब हम क्या करेंगे हाँ मगर यार जो गुबर जब हम इसको कम्प्लीटली क्या करेंगे इमर्स करेंगे कम्प्लीटली इमर्स करने का मतलब क्या है यह चुन इस बराबर वहीं लूजली बाउंड नहीं हमने इसको अटैच रखना है हमने इसको कम्प्लीटली इमर्स करना है लेकिन याद थे जो इट शुड नॉट टच द वॉल्स अनी हाउ इट शुड नॉट टच दनीथ टच टू द बनीथ हाँ ना ना ये करु इसको हमने क्या करना है इसको हमने बीच में रखना है क्या रख इसको हमने क्या करना है बीच में सबमर्ज रखना है ठीक है इट शुड नॉट टच दिस वॉल्स इट इट शुड नॉट टच दिस वॉल्स इट शुड नॉट टच द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इट शुड नॉट टच द टच द बनीथ ऑफ दिस कंटेनर नो इट शुड रिमेन इन मिडल ऑफ दिस ठीक अब उससे क्या होगा चलिए आप मुझे बताइए एज सुन एज आई 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 अब कम्प्लिटली आई एज सुज आई कम्प्लीटली आई मर्स्ट दिस पेबल इं टू दिस इससे क्या होगा सीधी सी बात है राइज इन दाटर विल टेक प्लेस रिइज इन दाटर विल टेक प्लेस शाबाश राइज इन दाटर सपोज इंशल वाटर लेवल कितनी थी हंड्रेड एम एल की वेरी गुड इनिशल वाटर लेवल कस हंड्रेड एम एल एन एज आई ड्रॉप आई फील्ड दिस पेबल इन टू दिस इन टू वॉट इं टू दिस कंटेनर वॉट हैपन्स देर इज द रज़ इन दाटर चलिए राइज इन दाटर सपोज यहां तक हुआ अब देखो न्यू राइज इन दिस वाटर अब यहाँ पे मैं लिखूँ यह इनिशल था इनिशल इनिशियल कर उस इनिशियल उस तेली जब मैंने इस पेबल को ड्रॉप नहीं किया था एज सोन एज आई ड्रॉप दिस पेबल इन टू दिस कंटेनर अब इसकी फाइन इसका फाइनल वॉल्यूम जो है ना बेटा फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर कूद हज वो सो वो वन फिफ्टी एम एल वन फिफ्टी एम एल वी वन को मैंने किसके साथ डिनोट किया था वी वन रिप्रेजेंट था वॉल्यूम चलिए वी टू जो है वो हमारा वन फिफ्टी एम एल आया ओबियसली जब हमारा वी टू वन फिफ्टी एम एल आया ये कैसे हुआ जब मैंने ये पेबल ड्रॉप किया इस वाटर में इस कंटेनर मेंज इट हैपन्स देर इज़ द राइज इन द वॉटर वी हैव टू मार्क दिस लेवल वी हैव मार्क दिस लेवल हमें पता चला कि वी टू जो फाइनल वॉलीम ऑफ वाटर जो है दैट इज़ अब देखो फाइनल वॉलीम ऑफ वाटर अब मैं ये फाइनल वोल्यूम ऑफ़ वाटर जो है ना बेटा यहाँ पर थोड़ा एड करूँ यह एक्चुअली वॉलीम ऑफ वाटर नहीं है इट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस दिस हमने इसमें ऐड जो करा है आर यू गेटिंग इट्स सो इट्स एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट्स एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर चु मगर अंत वॉल्यूम वाटर वॉल्यूम वोल्यूम बिहे एड कर मतलब क्या सो so एड हाई ये हाई तमिक फिर वोल्यूम वो गोबर सिंपली मैंने क्या करना है अभी मैंने इनिशियल वॉल्यूम कितना था वो हमारा था हंड्रेड एम का फाइनल वॉल्यूम कितना है वो हमारा वन फिफ्टी एम एम याद थे तो ये तुचु ये ड्रॉप कर में ये लिए किस किसको किसको मैंने पेबल को मैंने डाला है किस में पानी में अब देखो पान, ये ये पैबल क्या करता है पैबल कहान पैबल अपनी जगह बनाता है किस में बनाता है पानी में ठीक अब इसको जगह बनाने के लिए कुछ तो निकालना पड़ेगा अपनी से ये चुना आप, इसको अपनी जगह बनाना है तो कुछ जगह बनाने के लिए उसने क्या करना है चुनाव कुछ जगह छोड़ना है हा? पानी को जगह छोड़ना है वही तो मैं बोल रहा हूं अमाउंट ऑफ द व्हाट इज व्हाट इज वॉल्यूम इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बाय एन ऑब्जेक्ट हेयर इट इट इज द पेबल इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पेबल लेकिन लेकिन दूसरी बात क्या है कि वाटर इस यहाँ पोर्शन वाला जो वाटर है वो डिस्प्लेस हुआ है किसने डिस्प्लेस कर वह बह वनो ते मे पे मे पबल त्रोन ये आबस मज कह पे बन ना पी जाए मगर जी बन ते बना जो ये पाई वाटर गीह डप गो यु, डप गो हू तम राइज इन वाटर सो राइज इन वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट हेज़ बिन इमरसड सपल जितना आपका रैज आफ वाटर आएगा उतना ही आपका वोल्यूम होगा किसका शबाश कि पेबल का दैट मीस इरेग्योलर सॉलिड का लो बे वह ये बहुगोलर तो सॉलिड हाँ, ये मजा यह पीन जाए रटान यूत यह रटि तुत एक्ल एमाउंटस कर पन वोल्यूम तॉटर वोल्यूम कर डपलेस हाँ सपोज इसने यहाँ पे देखो हंड्रेड एम एल थनिशल वोल्यूम इनिशल वोल्यूम अब जब एज आई ड्रॉप दिस पेबल इन this वाटर इसकी इसकी इसका जो वॉल्यूम है वो कहाँ तक पहुँचा वो वन फिफ्टी तक पहुँचा। देखो राइज कितना हुआ हंड्रेड से लेके वन फिफ्टी तक अगर मैं बोलूँ डिफरेंस इन द फाइनल डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ वाटर डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल्स मतलब गो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिफरेंस इन द वाल्यूम ऑफ वाटर मतलब गो फाइनल वोल्यूम माइनस इंशियल वोल्यूम वन फिफ्टी माइनस हंड्रेड फाइनल वन फिफ्टी इनिशल वॉल्यूम इज हंड्रेड कितनी डिफरेंस है फिफ्टी एम एल दैट गिवज्ज राइज टू द वॉल्यूम ए रेगुलर सॉलिड वॉल्यूम ए रेगुलर सॉलिड समझ बहु इथ पे बुश्स इंग्लिश पे लख इिश मैं इथ प इंग्लिश मैं एस मैं एस को में में ऐसे में डिक्टेट करूँगा वन एन अोबेक्ट इज इमर्सड कम्प्लिटली इन वाटर इट डपस एन एमाउंट आफ वाटर इट डपज एन एमाउंट आफ वाटर

इट्स ओन वॉल्यूम अमुक मतलब गूत यह व्यूम तुत करपपल वाटरस तूत कर डपपल सह डिस्प्लेस वाटर कथ प हावन राइज इन द वाटर लेवल राइज इन द वाटर लेवल ओके सो दैट इज वाई ऑन इमर्सिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द वाटर द लेल आफ वाटर रोके फिर हम क्या करना है वी हव टू टेक द डिफरेंस बिटवी द फाइनल एंड द इनिशल लेवल ऑफ वाटर द वाल्यूम आफ जेक्ट कैन बी एजिली डिटरमाइंट कौन सा ऑबजेक्ट इरेगुलर ओबजेक्ट सो दिस इज आल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ इरेग्यूलर सॉलिड जिसको हमने किस मैथड से शबाश इवेलुएट किया है डिसप्लेसमेंट वाटर डिसप्लेसमेंट अनान वाई वाटर क्याज पाई तीस इक्वल अमाउंट आफ वाटरसान डिसप्लेस ठीक छा सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक वोल्यूम ऑफ इररेगुलर सॉलिड होप यू हैव अंडरस्टुड इट वेरी फेल ओके इसको प्रैक्टिस भी करिए घर में एक एक्टिविटी बनाइए फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा ओके अल्लाह हाफिज़